आज हमारे पास महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी आ गई है, DI टर्बो। इसके अंदर डीजल काटा नहीं बता रहा, और क्यों नहीं बता रहा है, किस कारण नहीं बता रहा है, आज मैं आप सबको बताता हूँ कि इसमें डीजल काटा नहीं बताने का कारण क्या है। मैं बने रहे, मैं डायरेक्ट आपको गाड़ी वाले के पास ले जाता हूँ। काटा बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या प्रॉब्लम होगा? सो गाइस देख सकते हैं, हमारा डीजल काटा भी बता नहीं रहा है। अब ये डीजल काटा कैसे बताएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ वीडियो में बने रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। देख सकते हैं, चलो डायरेक्ट हम अब डीजल टाके टैंक पे आपको बताते हैं कांटे में क्या दिक्कत है। मेरे साथ वीडियो बने रहे। ये देख सकते हैं, ये हमारा कांटे में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। तेरा हाथ हटाओ, कौन सा वायर टूटा है वो बताओ। ये रहा, ये वायर टूटा है। ये जो 8 नंबर की नट पे लगता है ये वायर, जो अगर हम टच करते हैं तो हमारा कांटा बताता है, और जैसे हम हटा देंगे तो कांटा नहीं बताएगा। इसका कारण ये है कि हमारा जो ये वायर है यहाँ से टूट गया था, ये पंप के ऊपर से टूट गया था, और ये वायरिंग अर्थिंग। और हमेशा आप ध्यान दीजिए, इधर का उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कांटा कभी नहीं बताएगा। इसीलिए अब इसको हम क्लिप लगा के, वायर कंप्लीट लगा के आपको बताते हैं कांटा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। प्रॉब्लम यही है हमारी गाड़ी में, देख सकते हैं आप। मेरे साथ वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताता हूँ कांटा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। डीजल टैंक है ये, महिंद्रा बोलेरो DI टर्बो। सो गाइस देख सकते हैं, जो हमारा डीजल नहीं आ रहा था, हम उसके ये पिन लेके आए हैं बंद कर। सो गाइस देख सकते हैं, ये जो हमारा हो डीजल कांटा नहीं बता रहा था, उसके लिए जो हम ये पिन है लेके आए हैं, 5 रुपये की एक पिन पड़ी हमको, और हम इसको पक्कड़ से कंप्लीट टाइट करेंगे। देख सकते हैं आप कैसे, सबसे पहले ये भाग दबाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला भाग दबाने के बाद ये हमारी पिन रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको लगाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, जो ये हमने पिन लगा दी, अब हम इसको टाइट करेंगे। इसके बाद हमें आपको बताता हूँ डीजल कांटा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो देख सकते हैं, ये हमारा डीजल कांटा बताने लग गया है और कंप्लीट बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी आप घर बैठे भी ये सब कर सकते हैं, आपके पास महिंद्रा की सादी गाड़ी DI टर्बो हो तो। अगर